जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष का पहला टीजर आने के बाद से ही फिल्म को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। पिछले ही हफ्ते रिलीज होने के बाद से ही फिल्म सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही है। यूजर फिल्म के डायलॉग और कई सीन्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो रावण के लुक की बात हो या फिर हनुमान जी के लिए डायलॉग की। आदि पुरुष से बहुत से लोगों को शिकायत है। तो वही दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर खुद सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का भी बड़ा बयान सामने आया है। करीना कपूर ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से मेरे पति सैफ अली खान का रावण वाला लुक है, वो सच में काफी बेकार लुक है, क्योंकि वो मुझे ही पसंद नहीं आया तो यूजर को क्या पसंद आएगा। सच कहूँ तो मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति इस तरह के घटिया रोल में नजर आएंगे। रावण वाले सीन को देखकर मेरा सच में खून खोल उठा है और मुझे लगता है कि मुझे अपने पति से एक बार जरूर बात करनी चाहिए इस रावण वाले लुक को लेकर। लेकिन जिस तरह से लोग इस पूरी फिल्म को टारगेट कर रहे हैं और इस पूरी फिल्म को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ये गलत है, क्योंकि भारत जैसे देश में हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की फिल्म को जरूर देखना चाहिए। और फिल्म बनाने का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का बड़ा बयान आया है रावण वाले लुक को लेकर। बहरहाल दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या करीना कपूर सही कह रही है या गलत, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।